नमस्कार दोस्तों, नौकरी ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान पुलिस के बारे में। तो जो परीक्षा की तिथि है एमबीसी बांसवाड़ा जो भर्ती थी 623 पदों के लिए, उसकी तिथि घोषित हो चुकी है। 22 तारीख यानी कल से आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड होने शुरू हो जाएंगे। आज 31 अगस्त का ये अपडेट है, ठीक है। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, मैं आपको अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे ले चलता हूँ। तो आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे, जो एमबीसी बांसवाड़ा के लिए जो आपके परीक्षा तिथि घोषित हो चुकी है, तो उसमें आपके एडमिट कार्ड कल से डाउनलोड होने शुरू हो जाएंगे। तो कैसे आपको डाउनलोड करना है वो मैं आपको अभी वीडियो में बता देता हूँ। तो दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जॉब्स का कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की जॉब हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब हो, कोई भी नया जॉब निकलता है, एडमिट कार्ड आता है, एग्जाम डेट आती है, हम सबसे पहले आपको नोटिफाई करते हैं। और दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी के लिए, राजस्थान पुलिस और एसएससी जीडी के लिए आप हमारे साथ जरूर जुड़ जाएं। हम जॉइनिंग तक आपके साथ रहेंगे और सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम देते रहेंगे। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को बिना टाइम खराब किए। तो दोस्तों, ये देखिए, ये ऑफिशियल वेबसाइट है राजस्थान पुलिस की। तो यहाँ पर ये आ रहा है प्रेस नोट, तो इस पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो ऐसी फाइल खुलेगी। इसमें आप करेंगे व्यू पीडीएफ, ठीक है। तो पीडीएफ जैसे आप व्यू करेंगे, तो व्यू करने के बाद जो ये फाइल है डाउनलोड हो जाएगी। इसमें साफ साफ लिखा है, ठीक है। तो ये देख लेते हैं, 21 अगस्त का अपडेट है, एमबीसी बांसवाड़ा भर्ती 2018 लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र के लिए सूचना। मेवाड़ भील कोर बांसवाड़ा में कांस्टेबल पद पर भर्ती के लिए विज्ञापित 623 पदों हेतु 27 अगस्त 2018 को, शायद मैंने 632 बोल दिया दोस्तों, तो उसके लिए सॉरी, 623 पदों पर आगामी 27 अगस्त 2018 को लिखित परीक्षा आयोजित की जा रही। तो 27 अगस्त को आपकी परीक्षा होगी। तो कांस्टेबल बैंड को छोड़कर शेष पदों के अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा के लिए ई प्रवेश पत्र अपलोड कर दिए गए हैं। अभ्यर्थी दिनांक 22/8/2018 से वेबसाइट यह बताया गया है recruitment2.rajasthan.government.in से अपनी SSO ID लॉगिन कर ई प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। कांस्टेबल बैंड के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा नहीं होने के कारण ई प्रवेश पत्र जारी नहीं किए जाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा जो कांस्टेबल बैंड के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है उनका टेस्ट नहीं होगा। तो जिन कैंडिडेट का रिटर्न टेस्ट होगा उनके लिए एडमिट कार्ड कल डाउनलोड कर लिए जाएंगे 22 अगस्त से, ठीक है। और आपकी परीक्षा है 27 अगस्त को। तो ये प्रतिलिपि भेज दी गई है महापुलिस रेंज, जो भेजी गई है ये आपके काम की चीज़ नहीं है, तो आप देख लीजिए साइंड है। तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ही, आप जैसे बोलेंगे एडमिट कार्ड कहाँ से डाउनलोड करना है, तो आप जैसे इस ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद आपको कल इसमें लिंक मिल जाएगा। हालांकि हम आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस आपको यही जानकारी देनी थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट तक इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। ऐसी लेटेस्ट अपडेट के साथ हमारे साथ बने रहिए।